भारतीय किसान संघ का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। पानसेमल खेतिया कृषि उपज मंडी समिति खेतिया के प्रांगण में भारतीय किसान संघ विखंड पानसेमल खेतिया के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान विभिन्न किसानों ने समस्याओं को लेकर अपनी बात कही। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अतिरिक्त तहसीलदार हुकुम सिंह निंगवाल को प्रधानमंत्री भारत सरकार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा। 12 सूत्रीय मांगों में जिले के किसानों का 2 का कर्ज माफ करने, जलियापानी तालाब की गाद निकालने, मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदने, CCI की खरीद जल्द प्रारंभ करने, नए मंडी अधिनियम में समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, अधिक वर्षा से बर्बाद फसल का मुआवजा फसल बीमा दिया जाने, अनुदान पर ट्रांसफार्मर दिए जाने, कुछ पंचायत में तालाब बनाने की मांग की गई है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष नाना चौधरी, भट्टू दादा, कृष्णा चौधरी, प्रकाश शार्दुल सहित अनेक किसान उपस्थित। आज धरना के माध्यम से 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे ये है कि मक्का का पंजीयन करते हुए समर्थन मूल्य में मक्का खरीदा जाए, CCI की खरीदी तुरंत खेतिया मंडी में चालू होना चाहिए और किसान सम्मान मतलब किसान ट्रांसफार्मर योजना जो सरकार ने बंद कर दी है उसे तुरंत चालू किया जाए और क्षेत्र के जालेपानी बांध की गाद जल्दी निकाला जाए। ये हमारी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन हमने किया। मंडी अधिनियम जो नया बना हुआ है उसमें जो हमने 3 बिंदु सरकार को आगे दिए हैं वो बिंदु का सुधार करते हुए अगर वो कानून बनती है तो उसमें किसानों का भी लाभ होगा और इसमें किसान की कोई हानि नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बलराम।